जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिला शाह है और मैं एक मकामी गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। इससे पहले मैं कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से पढ़ी, वहीं पे मैंने जॉब की, लेकिन स्कूल में आना मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा बच्चों के घरों में हमारा मैसेज जा सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि स्कूलों से आप चेंजेस ला सकते हैं। एक तो छोटी उम्र में उनके आवाज़ चली जाएगी और दूसरा ये कि आप बड़ी आसानी से उनके दिल तक पहुंच जाएंगे और उनके घरों तक पहुंच जाएंगे और चेंज बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि बचपन से चेंज लाएं तो वो बहुत अच्छा होता है और देर तक उसका असर रहता है। तो मेरा थीसिस था इस बारे में, जिसमें अपने उस्ताद का, मैं कहती हूँ कि उस्ताद और माँ का बहुत रोल होता है, तो मेरे उस्ताद थे डॉक्टर हफीज़, उन्होंने मुझे ये, मुझे देखते हुए मेरी पर्सनैलिटी, उन्होंने कहा कि आपको सोशल चेंज पे काम करना चाहिए, तो मैंने एक्शन रिसर्च ले ली और इस एक्शन रिसर्च के वजह से मैं पहुंच गई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और वहां जाके बहुत लर्न किया, बहुत मारे भी खाई लेकिन बहुत लर्न किया और बहुत ज़्यादा लोगों के करीब गई, करीब से लर्न किया कि किस तरह से सोशल चेंज लाया जाए। तो मुश्किल है लेकिन वाकई ये एक अच्छा रास्ता है कि आप बचपन से ही बच्चों को मोटिवेट कर लें, जो कि मैं करना चाह रही हूँ अब मेरे रिटायरमेंट के बाद भी करूँ, कि बचपन में, क्योंकि अभी जहन नाजुक होता है और अभी बन रहा होता है और पौधा जो है वो छोटा है और फल फूल रहा है तो उसके ऊपर असर ज़्यादा होगा, और जब वो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसकी वो हैबिट्स बन जाएंगी, जो चीज़ हम उसको सिखाना चाह रहे हैं वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम स्कूल से, यानी बेस से, बुनियाद से बच्चे की परवरिश इस तरह से करें कि वो अच्छा शहरी बन सके, अच्छा पाकिस्तानी बन सके, अच्छा मुसलमान बन सके, क्योंकि जर्मनी और जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने एजुकेशन पे बहुत काम किया हुआ है और कंट्रीज़ ने किया है और हमारे लिए वो मिसाल है। जैसे हम हर वक्त चाइना की मिसाल लेते हैं कि चाइना ने इंडस्ट्री ली और हर तरह से चाइना ने तरक्की की और उन्होंने किस तरह से काम किया, हम वो मिसालें अपने सामने रखते हैं, लेकिन हमारे पास कुरान पाक है और हमारे पास इतनी बड़ी जामे किताब है और इतनी रसूल पाक की ज़िंदगी का इतना अच्छा अमली नमूना है कि अगर हम उसको पकड़ लें एक दफ़ा और फिर ना छोड़ें और बहुत अच्छे तरीके से उस पर चलें, तो मेरे ख्याल में हमें किसी और गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, हम बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। ये अलमिया जो है ये मेरे बचपन से है, मैं भी आर्टिस्ट थी और सब ये समझते थे कि ये एक नलायक सा बच्चा है, एवरेज बच्चा और ऊपर से आर्टिस्ट, तो बिल्कुल ही सबको ये फिक्र होती थी कि ये तो पढ़ेगी नहीं, ये बस पास हो जाए तो बड़ी बात है, ये कुछ बन जाए तो बड़ी बात है, और कोई रियलाइज ही नहीं करता कि जो आर्टिस्ट है, जो क्रिएटिव बच्चा है, अगर आप उसको तवज्जो नहीं देते, उसकी क्रिएटिविटी को सप्रेस करते हैं और उसको पढ़ाई की तरफ लगाते हैं, जो कि मैं नहीं पढ़ा करती थी फिर, क्योंकि मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता था, मुझे साइंस अच्छी नहीं लगती थी और मैं बड़ी बिलो एवरेज चलती थी, जब तक कि मेरे लोगों ने जो आसपास से उन्होंने रियलाइज़ नहीं कर लिया कि इसमें एक आर्टिस्ट है और उसको निकलने का मौका देना है। तो जैसे ही मेरी खाला और भी मेरे उस्तादा ऐसे मिले जिन्होंने मेरी क्रिएटिविटी को पनपने दिया, उन्होंने मुझे क्रिएटिव होने के लिए मौके दिए और मटीरियल प्रोवाइड किए और बुक्स प्रोवाइड किए और बाहर लेकर गए, तो मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बिल्कुल ठीक ठाक वर्क करने लगी। और जो मेरे बहन भाई फर्स्ट आने वाले थे, जो साइंस और मैथ में एक्सपर्ट थे, वो आराम से अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किए बगैर आराम से बैठे हैं, और मैंने बहुत काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में, उसकी वजह यही है कि मैं आर्टिस्ट थी, इसलिए मैं ये क्रेडिट देती हूँ कि वाकई अगर आप क्रिएटिव बनाएं बच्चों को और इस चीज़ की फिक्र ना करें कि कल को, असल में लोगों को जॉब की फिक्र होती है कि ये अच्छी जॉब में चले जाएं, ये अच्छे रिजल्ट्स ले आएं, इसलिए साइंस और मैथ के ऊपर एम्फोसिस होता है। हमारे भी अभी एडमिशन कराने के लिए माएँ आती हैं तो कहती हैं साइंस में दाखिल कराना है, बस साइंस में दाखिल कर लें, चाहे बच्चा उसके काबिल है या नहीं है, चाहे उसका एप्टीट्यूड है या नहीं है, चाहे वो चार साल फेल होता रहे, लेकिन कहते हैं जी साइंस पढ़ानी है। तो ये जो एप्टीट्यूड है ये बड़ा हमारे एक रुझान है, एक थिंकिंग है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, कि जो आर्टिस्ट कर सकता है, जो क्रिएटिव बंदा कर सकता है, एटम बॉम्ब बनाने वाला और बल्ब ईजाद करने वाला और बिजली को बनाने वाला और ये सब जो लोग थे, ये आइंस्टाइन और ये सब लोग, ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये साइंसदान नहीं बने थे, इनको मैथ और साइंस नहीं पढ़ाई गई थी, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी जो थी वो निकल के सामने आई और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ईजादें की। जिसने स्टीम इंजन भी बनाया उसने अपने तजर्बे से ये सीखा
और जिसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया उसने भी अपने तजर्बे से सीखा कि क्या चीज़ है इसमें, अपने तजस्सुस से. तो जो क्रिएटिविटी है वो आपका तजस्सुस बरकरार रखती है, बढ़ाती है, और आपने उसको सुप्रेस नहीं करना, आपने उस तजस्सुस को बढ़ाना है. ये उस्ताद का काम है और यही माँ बाप का काम है. और जब माँ बाप ये रियलाइज़ कर लेते हैं और उस्ताद ये रियलाइज़ कर लेता है कि क्रिएटिविटी में जो ताकत है वो किसी और चीज़ में नहीं हो सकती, ये मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है कि आपने किसी को कामयाब करना है तो उसकी क्रिएटिविटी को बाहर लाएं और उसकी पर्सनैलिटी को बाहर लाएं और उसको कुछ बनने दें जो वो खुद करना चाहता है. और इसी चीज़ पे तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल्स में मोटिवेटर्स होने चाहिए, स्कूल्स में काउंसलर्स होने चाहिए, जो काउंसलिंग टीचर्स भी, टीचर्स की भी करें, क्योंकि टीचर्स भी बड़ी क्रिएटिव हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी को सामने नहीं लाती क्योंकि उनसे कोर्स ही ख़त्म नहीं हो रहा होता, वो अपने कोर्स के पीछे पड़ी होती हैं और अपने रिजल्ट के पीछे पड़ी होती हैं. और क्रिएटिविटी बच्चों में और अपने आप में खुद को भी सप्रेस कर लेती हैं, बच्चों को भी सप्रेस कर देती हैं. तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको, जिसका इस्तेमाल हमें करना है. इसके लिए हमें मोटिवेटर्स चाहिए, इसके लिए हमें काउंसलर्स चाहिए जो स्कूल में ये चीज़ को दोबारा रिवाइव करें क्योंकि एक दफ़ा हमने उसको ख़त्म कर दिया. देखिए पहले सब्जेक्ट होता था आर्ट, हमने तो आर्ट सब्जेक्ट में पढ़ा है, लेकिन वो भी इस तरह नहीं होता था जिस तरह कि अब हम देखते हैं कि बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, बच्चे तकरीरें कर रहे हैं, बच्चे मेरे बच्चे जो हैं स्कूल के, क्योंकि आर्ट अब नहीं है स्कूलों में, तो जब मैं उनको कहती हूँ कि आपने स्कूल डेकोरेट करना है तो बच्चों के अंदर से एक सैलाब उमड़ता है क्रिएटिविटी का, और वो दीवारें पेंट कर देते हैं, वो फर्श पेंट कर देते हैं, वो दरख्त पेंट कर देते हैं, वो कोई जगह नहीं छोड़ते और ब्रश नहीं मिलते, कलर नहीं मिलता, तो उंगलियों से पेंट करते हैं. और मैं चाहूँगी आप मेरा स्कूल विजिट करें और देखें कि बच्चों ने अपनी उंगलियों से कैसे पेंट किया है, फिंगर पेंटिंग की हुई है कि अवेलेबल नहीं इतने ब्रश, इतने बच्चे हैं, 2500 बच्चा है, मैं उन सबको ब्रश नहीं दे सकती. तो ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सबके सब पेंट करना चाहते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी और जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं वो भी. और ये जो चीज़ है ना कि हम थिंक टैंक्स कहाँ से आएंगे जब हम उनकी थिंकिंग डेवलप ही नहीं होने दे रहे, तो ज़रूरी नहीं है जो आर्टिस्ट है वो नलायक होता है, आर्टिस्ट बहुत लायक होता है, और जो आर्टिस्ट कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, ये मेरा दावा है कि वाकई. और अब तो आर्ट की इतनी किस्में हैं, अब तो हर चीज़ आर्ट है, यहाँ तक कि साइंस भी एक आर्ट है कि आप जो डाइसेक्शन करते हैं इट्स एन आर्ट, आप जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर्स तो इट्स एन आर्ट कि उसके पास आर्ट है डाइसेक्ट करने का, उसको सीने का, उसको खोलने का और उसको देखने का. तो ये बहुत अहम बात है कि क्रिएटिविटी को हमने और बढ़ाना है, उसको जला देनी है, उसको हमने, बल्कि हमने क्रिएट करनी है ऐसे स्टेशंस जिन पे से आर्टिस्ट जो हैं वो पैदा हों और ऊपर जाएं. मेरे ख्याल में तो जिस चीज़ को भी आप प्रैक्टिकली इंजॉय करके करें उसको हम आर्ट कहते हैं. कोई भी चीज़ जो आप प्रैक्टिकली इंजॉय करके करते हैं इट्स एन आर्ट. कि अगर आपको गाना गाना पसंद है और आप उसको इंजॉय भी करके गाते हैं तो आप बहुत अच्छे सिंगर बन जाते हैं. जब आप आर्टिस्ट हैं, जब आप ड्रामा करते हैं और आप बहुत इंजॉय करके प्रैक्टिकली उसको बहुत अच्छी तरह से एक्ट प्ले करते हैं तो आप बहुत बड़े ड्रामा निगार भी बन सकते हैं और ड्रामा करने वाले भी बन सकते हैं, आर्टिस्ट भी बन सकते हैं. फिर आप पेंट करें अगर और इंजॉय करके करें तो आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं, और अगर आप इंजॉय करके आर्किटेक्ट बने तो आप बहुत बड़े आर्किटेक्ट बनते हैं. आपके दिल से खुशी से जो आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को निकालते हैं, जो आप करना चाह रहे होते हैं फ्रीली आप उसको कर लेते हैं, तो समझें कि आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं. तो इसके बगैर मेरे ख्याल में जो भी चीज़ इंजॉय करके और प्रैक्टिकली करके करें उसको आर्ट. जी बिल्कुल, हम एक्चुअली पेरेंट्स जो हैं वो भी इतने मसरूफ़ हैं पैसा कमाने में कि वो टाइम ये सोचते नहीं हैं कि पर्सनैलिटी भी बच्चे की बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे का, बच्चे को कॉन्फिडेंस देना भी कितना ज़रूरी है, बच्चे को दुनिया के साथ चलना सिखाना भी कितना ज़रूरी है. सिर्फ पैसा कमाना जो है वो एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना ये एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है कि ये तरक्की हो गई. लेकिन तरक्की ये नहीं होती, तरक्की असल में ये होती है कि इंसान कितना अच्छा इंसान है, कितना आला इंसान है वो, और कितने लोगों को उससे फ़ायदा पहुंच रहा है,
ये वाली बात जो है ये आप स्कूलों से बड़ी इजीली पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं. अगर आप स्कूलों में बच्चों को ये मॉर्निंग जैसे आपकी असेंबली है उसमें आप सेशंस देते हैं मॉर्निंग असेंबली में, सो बच्चे फ्रेश होते हैं और सुनते भी हैं. जब आपका बज़्मे अदब होती है उसमें भी आप ये वाली तकरीर के मुकाबले रखें, ड्रामा रखें. जैसे हमारे बच्चे ड्रामा क्रिएट करते हैं, उनको एक टॉपिक दे के हम उनसे कहते हैं, टीचर्स को भी मैं एक टॉपिक दे के कहती हूँ कि आप ड्रामा क्रिएट करें कि हम ये वाला टॉपिक बच्चों को समझाना चाहते हैं, ड्रामे से कैसे समझाएं. तो ड्रामे से बच्चे जैसे सीखते हैं, आप यकीन करें कि वैसा कोई दुनिया का बंदा नहीं सिखा सकता जैसे ड्रामे से लर्न करते हैं बच्चे, जैसे गाने से लर्न करते हैं बच्चे. इस चीज़ से मुझे एक रेलिवेंट सी बात याद आ गई है जो मैं अगर कोट कर दूँ. मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत यंग थी जिस एज में, मैं भी बहुत यंग थी उस एज में, और वो वुमेन एजुकेशन पे काम कर रही थी. उसके साथ वो थैलेसीमिया के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है. तो वो आई और उन्होंने कहा कि किस तरह से वुमेन एजुकेशन को कैसे हम गांव में फैलाएं, कैसे पहुँचे वहाँ तक. कोई नहीं मानता कि औरतों को भी पढ़ना चाहिए. और मैंने उन्हें कहा कि देखें, गाने और कहावतें ये सीना बसीना चलती हैं, गाने और कहावतों में एजुकेशन ले आए. वो कहती कैसे लाएंगे गानों और कहावतों में. तो मैंने उस जमाने में अशार लिखे और मैंने शेर लिखा, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, आओ नी हड़ियो बात में पावा. तो मैंने उसी तरह से लिखा कि आओ नी हड़ियो बात में पावा, बात भी पावा सुची, जो औरत ना पढ़ना जाने बणदी पैर की जुत्ती. इलम अल्लाह ते दिल विच रहंदे जुत्ती दी जगह नी पैर, भज के फड़ लै कलम किताबा जे चाहवें अपनी खैर. तो ये मैंने गांव-गांव ये मैसेज मेरा उन्होंने पहुंचाया. और फिर ये था कि वो मैं एजुकेशन पे लोग खर्च नहीं करते कि जी बेटे को पढ़ा लेने, बेटी को नहीं पढ़ाना. फिर मैंने इशार लिखे और इसी तरह से उसमें कि सुन ले मेरी सोनी अमड़ी, खर्ची ना तू पावे दमड़ी, वीर स्कूलों जर कर आवे आखी मैनू भी सबक पढ़ावे, मैं भी पढ़ना सीख जावांगी कल नू तेरे काम आवांगी. तो ये इशार मेरे गाँव की सब लड़कियों को. तो आप ये ना सोचें कि मोटिवेटर्स नहीं है. मोटिवेट किया जा सकता है, वर्कशॉप्स करें, पीटीएम में पेरेंट्स को बुलाएं. हम करते हैं अपने स्कूल के उन दिनों में जब टीचर्स एग्जाम्स ले रही होती हैं और उनके पास टाइम होता है, तो वो उन दिनों में ये सारी बातें सीखती हैं. हम उनको और भी बहुत ग्रूमिंग भी सिखाते हैं, कुकिंग भी सिखाते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट भी सिखाते हैं, और उनको मूवीज भी दिखाते हैं, और उनको सैरें भी कराते हैं, और उन दिनों में, उन 10 दिनों में उनको मोटिवेशनल वर्कशॉप्स भी कराते हैं. मेरे स्कूल में ये होता है और अगर सब लोग ये अपना लें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा वो पार्ट प्ले कर सकेंगे. टीचर्स खुश भी हो जाएंगी, रिलैक्स भी रहेंगी और फ्रेंडली भी हो जाएंगी और आपकी बात सुनने लग जाएंगी. जब मैं गई थी तो मेरी बात कोई नहीं सुनता था और मुझे बहुत लोग तंग थे कि ये क्या मुसीबत आ गई है, जो कहती क्लासों में जाओ टाइम पर, और जो कहती है कि अच्छी तरह पढ़ाओ, और जो कहती है प्रैक्टिकली पढ़ाओ, ऐसे नहीं पढ़ाना जैसे आप पढ़ा रहे, तैयारी करके क्लास में जाओ. ये सब बातें सबको बुरी लगती थी और नाश्ते ना करो बल्कि क्लासों में जाओ. लेकिन अब सब, जब मेरे 10 ईयर्स पूरे हुए तो आप यकीन करें कि मुझे सरप्राइज दिया, मेरा पूरा स्कूल फ्लावर्स लेके खड़ा था जब मैं स्कूल में एंटर हुई, और मेरे नाम की उन्होंने तख्ती लगाई कि मैंने स्कूल में क्या क्या काम किए हैं, कौन से ब्लॉक बनवाए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है. मतलब ये सारे एक्नॉलेजमेंट मेरी जिंदगी में मुझे सिर्फ 10 साल में मिल गई. बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है और अल्लाह का बड़ा करम है. मैं कहती हूँ कि उसने मेरी मेहनत को कबूल किया और लोगों ने मेरी मेहनत को मान लिया. तो ये चेंज है, चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज हर सूरत आ जाता है. बस सिर्फ ये है कि लगन से, कोशिश से आप खड़े रहें और लगे रहें. जैसे शहजाद रॉय कहता है कि खड़े रहें लगा रहें, वो बात बहुत प्यारी है उसकी, कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जिन्होंने काम करना है वो कर रहे हैं. जैसे शाह साहब हैं, वो बहुत प्यारे तरीके से काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं और फॉलो करते हैं. देखिए जी, मैं तो जब से स्कूल साइड पे आई हूँ मैं इतना काम कर रही हूँ और गवर्नमेंट करवा रही है कि जी आप इंग्लिश मीडियम कर दें, आप बुक्स इंट्रोड्यूस करा दें, आप जो है प्रैक्टिकल बुक्स साथ इंट्रोड्यूस हुई हैं जो टीचर्स ने पढ़ के किस तरह से पढ़ाना है प्रैक्टिकली, सब चीज़ें जो है गाइड्स टीचर्स को दी गई हैं. मतलब इतना काम गवर्नमेंट कर रही है और चेक भी कर रही है, मतलब आ रहे हैं मंथली, हमारे बच्चों को चेक किया जा रहा है मंथली, हमारे स्कूलों को विजिट कराया जा रहा है और चेक किया जा रहा है, हमें NSP फंड दिया जा रहा है. हमारी जो अगर 20 रुपये भी फीस है, मेरे स्कूल की भी इतनी ही है, लेकिन जब वो आप 2000 बच्चों पे देखें तो 40,000 आपका जमा हो जाता है हर महीने. और अगर आप ईमानदारी से खर्च करें,
क्योंकि बिल्स तो आपकी गवर्नमेंट दे रही है. कौन कहता है कि बिल गवर्नमेंट दे रही है? बिल्स गवर्नमेंट दे रही है आपके बिजली के और ये जो ज्यादा आता है खर्चा. और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहें तो आप ठीक कर सकते हैं. जैसे मेरे पास जो पैसे आते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि मेरे पास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, मेरे पास सारा फर्नीचर भी पूरा है, मेरे पास सर मेरे पास स्पेस की बहुत कमी है, जगह नहीं है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, एक और स्कूल बन जाना चाहिए और गवर्नमेंट बना देगी. बेनजीर स्कूल बना है लेकिन उसकी थोड़ी सी फीस है तो वहां लोग नहीं जाते. हमारे स्कूल की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं और बिल्डिंग 40 साल पुरानी है, उसके ऊपर और बिल्डिंग नहीं बन सकती. या तो उसको डिमोलिश करके बनाए, लेकिन जब डिमोलिश करके बनेगी तो टाइम वेस्ट होगा. और लेकिन हम इसको इस तरह नहीं लेते कि इसकी वजह से हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें कि गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही. मैं मुझे तो कभी ऐसे नहीं, लेकिन सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट कभी कभी बड़ी तेजी तेजी से चीज़ें करवाती है. चाहिए ये कि हेड्स को ज़रूर शामिल करें जब वो कोई चेंज ला रहे हों, जब वो कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हों. जैसे आप ट्रेनिंग्स होती हैं, देखिए ना ट्रेनिंग्स भी होती हैं और बड़ी खूबसूरत ट्रेनिंग्स होती हैं और हेड्स के लिए अलग होती हैं, टीचर्स के लिए अलग होती हैं. हमारा टीचर और हमारे हेड को मोटिवेटेड होना चाहिए, वो पूरे दिल से वो चीज़ करें जो गवर्नमेंट जिस पर पैसा खर्च कर रही है उसको पूरे. मैं हर रोज़ाना बच्चों को जाके कहती हूँ, आपको पता है हमारे बच्चों स्कूल का बजट कितना है? हमारे स्कूल का बजट 2 करोड़ रुपए एक साल में गवर्नमेंट हमें दे रही है. तो हमने गवर्नमेंट को वापस क्या देना है? हमने गवर्नमेंट को अपनी मेहनत वापस देनी है, हमने लायक और अच्छा सिटीजन बन के दिखाना है, हमने कामयाब इंसान बन के दिखाना है. तो ये जो मोटिवेशन है इसकी कमी है, ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसकी कमी है कि जो है वो हमें गवर्नमेंट दे रही है, बेशक हमारे टैक्सेस से है लेकिन हमें गवर्नमेंट दे रही है. हमने इसको हलाल करना है, हमने इसको यूटिलाइज करना है सही तरीके से. तो कसूर कुछ ना कुछ पेरेंट्स का है जिन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा सा छोड़ दिया, उस तरह से टाइम नहीं देते. और कुछ हमारा टीचर्स और हेड्स का कसूर है जो उसको इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे कि जो है उसके अंदर हमने मैक्सिमम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हुए मैक्सिमम देना है. हमारी आउटपुट मैक्सिमम होनी चाहिए जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सोर्सेज हैं. और मैंने देखा है कि आप पीछे पड़ जाए तो गवर्नमेंट सब कुछ दे देती. मैं तो पीछे पढ़ के ले लेती, टीचर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स भेज देते. फिर मैं कहती हूँ जी फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कुछ मैं बना लेती हूँ, कुछ वो दे देते हैं, कोई डोनेशन दे देता. जैसे बच्चे बहुत बीमार होते थे हमारे वहाँ पे, हेपेटाइटिस से बहुत ज़्यादा पेट की बीमारियाँ, पानी गंदा, तो हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए हमने बड़े इधर उधर से MNA सबको इन्वाइट करके देखा. जब मेरा ऑन एयर गया कि हमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत है तो मेरी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स ने डोनेशन दे के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया. मतलब मसला हल हो गया. सिर्फ एफर्ट की ज़रूरत है, पाकिस्तान में एफर्ट की ज़रूरत है. लेकिन ये है कि जो धौंस होती है ना थोड़ी सी गवर्नमेंट की, वो शायद ये भी है कि कुछ लोग ख़राब करते हैं उसकी वजह से होती है, तो उसकी वजह से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. लेकिन है सब कुछ, जरा सी नम है, नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साकी वाली बात जो है वो बिल्कुल सच है. बिल्कुल ये बात है, ये बात वाकई सच है कि आपके एप्टीट्यूड नहीं है, टीचर बनने का एप्टीट्यूड नहीं है. आप हादसाती तौर पे उस्ताद बन गए और हादसाती तौर पे जो उस्ताद बनेगा, जाहिर है कि जब एक चीज़ की चाह ही नहीं होगी करने की, मोटिवेटेड ही नहीं होगा वो चीज़ करने के लिए, तो वो अच्छी तरीके से उसको कैसे करेगा. मतलब प्रैक्टिकली उस्ताद होना चाहिए उस्ताद को, कि वाकई दिल से वो उस्ताद हो. और जो दिल से उस्ताद होते हैं वो बहुत अच्छे उस्ताद होते हैं. मुझे मेरे उस्तादों ने जो सिखाया वो मेरे ख्याल में मेरी माँ ने भी मुझे नहीं सिखाया होगा, क्योंकि उस्ताद के साथ मैं ज़्यादा टाइम गुजारती थी, अपनी माँ के साथ उतना टाइम नहीं गुजरा. आधा दिन हमारा स्कूलों में गुजरता था और कॉलेज में आधे से भी ज़्यादा दिन गुजरता था. तो इसलिए जो उस्ताद सिखाता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका पार्ट बहुत अहमियत रखता है. तो उस्ताद बहुत अच्छा होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, मुझसे मोहब्बत करने वाला होना चाहिए. और मैं चाहती हूँ कि हम काउंसलिंग शुरू करें उस्तादों की और बच्चों की और माओं की, कि किस तरह से उनको, और माँ बाप की, कि किस तरह से उनको अच्छे माँ बाप बनना है ताकि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छा प्रोडक्ट माशरे का बने. उस्तादों को कैसे अच्छा बनाना है हमने बचपन से. देखें अपनी माँ कैसे नहीं देख सकती कि उसका बच्चा उस्ताद बनने के काबिल, तो उसको उसमें ऐसा अच्छा कर दे जो आर्टिस्ट बने. जैसे मेरी बेटी आर्टिस्ट थी बचपन से, आर्ट में अच्छी थी, तो मैंने उसको बचपन से ही हर चीज़ प्रोवाइड की. और आज वो बड़ी अच्छी बड़ी डिज़ाइनर है, उसको जो उसने करना चाहा उसको मैंने प्रोवाइड किया, उसको करती गई, उसको हेल्प करती गई.
किया उसने खुद है और एक बीए करने के बाद वो अपने पांव पे खड़ी थी. तो मतलब उसको ये जो मुझसे वो सोशल वर्क साथ करती थी उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया, और जो वो आर्टिस्ट थी और उसको मैंने सपोर्ट दी और उसके उस्तादों ने उसको सपोर्ट दी. उसके कॉन्वेंट में भी बहुत नंस वगैरह सब देखते हैं कि बच्चे में क्या टैलेंट है और उसको वो करते हैं. इसलिए मेरे ख्याल में उस्ताद और माँ बाप जो हैं वो मिल के बहुत अच्छे मोटिवेटर्स का रोल अगर प्ले करें और सपोर्टिव रहें सारा, तो बच्चों को वो बेहतरीन बेहतरीन इंसान बना सकते हैं, बेहतरीन सिटीजन पाकिस्तान को दे सकते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है. जी बस वो कासिम अली शाह साहब के साथ मुलाकात तो जैसे विश कम ट्रू वाली बात हुई, जैसे मौजा हो जाता है कि जी वो मेरी टीचर्स, मैं रिटायरमेंट ले रही थी प्रीमी छोड़ और अपनी टीचर्स को कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं. तो मेरी टीचर्स ने कहा कि मैडम अगर आप कासिम अली शाह साहब से हमारी मुलाकात करा दें, हम उनको सुनना चाहते हैं लाइव. तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे परेशानी हुई कि ये तो बहुत बड़ी फरमाइश है और मैं कैसे पूरी करूँगी, लेकिन मैंने कहा चलिए आजमाने में क्या हर्ज है. मैंने पता कराया, फ़ोन नंबर ढूंढवाया, पता चला जी 2 महीने तक बुक्ड है शासन. तो मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं. मैंने उन्हें वॉइस मैसेज किया कि इस मैं प्रिंसिपल हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल की और मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ मेरे 2000 बच्चों के घर तक और मेरी 50 टीचर्स के दिलों तक पहुँचे, और आप प्लीज़ मेरे रिटायरमेंट पे मैं अपने टीचर्स को गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो क्या आप आ सकेंगे. तो कोई 5 मिनट गुजरे होंगे तो शाह साहब ने रिप्लाई कर दी कि मेरी एक मीटिंग मिस हो गई है, तो मैं उस जगह पे आपको एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर आप आना चाहें, मुझे बुलाना चाहें या आप आना चाहें. तो आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त क्या फीलिंग्स थी मेरी कि इतना बड़ा बंदा और जिसको हम बड़ा एडमायर करते हैं और टीवी पे देखते हैं, वो इतनी जल्दी एडमिट करेंगे कि मैं आ जाता हूँ. और टीचर्स को बताया तो टीचर्स भी बहुत खुश, सब बहुत खुश कि ये कैसे हो गया, ये तो मौजे की तरह हो गया कि आपकी बात उन्होंने सुन के उस वक्त मान लिया, क्योंकि मैं उनसे कभी मिली नहीं थी पहले, कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी. तो बहुत हैरान हुए सब. और फिर थोड़ी देर के बाद टीचर्स को मैंने कहा कि अब आप तैयारी करें, कासिम शाह साहब आएंगे. और सारों को फ़ोन कर दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अपने पूरे डिपार्टमेंट को, सारी हेड्स को, कि कासिम अली शाह साहब को हमने इन्वाइट किया है तो आप सब लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, सब लोग आए. और हम लोग बड़े ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे थे, टीचर्स मेरे पास आई और आके कहा कि मैडम आपको पता है कि वो तो बहुत बड़े बंदे हैं और हमने तो ना कोई हम वैसी तैयारी कर सकते हैं और ना हम उनको पे कर सकते हैं, तो क्या होगा, आपने क्या किया. तो मैंने कहा चलें देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, आने दें. तो शाह साहब तो ऐसे आए जैसे कोई भाई अपने घर में आता है, और इतनी उन्होंने मुझे इज्जत दी कि मैंने वो रिकॉर्डेड है मेरे पास, वो वर्ड्स उन्होंने मेरे लिए कहे, और इतने खूबसूरत बंदे हैं वो दिल के भी और हर तरह से, कि खूबसूरत इंसान को जैसा होना चाहिए कि वो लोगों को प्रमोट करने वाले हैं, किसी से जेलस नहीं होते, किसी को बुरी बात नहीं कहते और किसी से हसद नहीं करते. ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खूबी है कि आप प्रमोट करना चाहें लोगों को, कि जो जो करना चाह रहा है उसको वो करने दें और उसकी हेल्प करें और उसको अच्छा फील कराएं. आप सोच नहीं सकते मुझे कितनी अच्छी फीलिंग हुई जब ये स्कूल आए और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बात की जैसे वाकई मेरा छोटा भाई आया हो. और फौरन मुझे कहा कि बाजी मैं आ रहा हूँ. कौन कहता है यूं कि बाजी मैं आ रहा हूँ आपकी पहले बुलाने, पहली दफ़ा बुलाने पे. और माशाल्लाह आए तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कंडक्ट किया और सारे लोग बस इनको ऐसे सुन रहे थे. उस वक्त जुमा था और जुमे का खुतबा चल रहा था, लेकिन कोई नमाज के लिए नहीं उठ रहा था कि ये ख़त्म करें तो हम जाएं. और बड़ी अच्छे तरीके से पूरा मेनियल स्टाफ किया और पूरा मोहल्ला किया और पूरा जहान इनको सुन रहा था, और हमने इनको बहुत इन्जॉय किया. तो माशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे लोग पाकिस्तान में हों, ऐसे मोटिवेटर्स जो कि इस तरह से अपने मुल्क के लिए और अपनी किसी बहन की आवाज़. मुझे तो याद आया कि ये तो मोहम्मद बिन कासिम है भाई, जो एक औरत की आवाज़ पे कहाँ से चल के कहाँ आ गया था, और मेरी एक आवाज़ पे ये मेरे स्कूल में आ गया. और कहाँ, इतनी अंदरून शहर में मेरा स्कूल है, इसको ढूंढना भी मुश्किल था. मैं इन्होंने मुझे कहा लोकेशन भेजिए, मैंने लोकेशन भेजी और राइट टाइम पर ये हमारे स्कूल में पहुँच गए. तो मैं कहती हूँ अल्लाह इनको सलामत रखे, और मेरी दुआएँ हैं इनके लिए कि ये अपना इस सफ़र को और ख़ूबसूरत बनाएं और इनके साथ बहुत लोग मिलते चले जाएं जो पाकिस्तान के लिए काम करें. आमीन.